महाकाठारे संगठित डबल मर्डर घटना को तीव्र विरोध करिछि बीजेपी। एक क्रम आजि ओडिशार विभिन्न एसपी कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन करा बीजेपी वरिष्ठ नेता और कर्मी द्वारा। एक क्रम आज अनुगुठे अनुरूप भाव एसपी कार्यालय को धसई पशा उद्यम करोध करजेपी कार्यकर्ता तेज बीजेपी वरिष्ठ नेता रही श्री रुद्रनारायण पाई सहित विशेष आलोचना करवा जो भाव राज्य सरकार आभिमुख्य रोचे महाघाट में जो घटना घटी मंत्री मान इनमेंट भाई घटना आसूँ कि कथा हो आज पर्यंत निरीह शिशु मानक अत्याचार होता अंग तस्करी शिशु मानू अपहरण एनसीआरबी कही 5503 शिशु ओडिशार निखोज अच्छा आज पर्यंत शासक दलर नेता माने सुरापान करी उन्मत्त हो सेने महिला मानू असदाचरण करुले रेप करुले मर्डर करुले किंतु जोटा मोस्टली वेस्ट बेंगल रे सबुठ बेसी हुए बिहार एवं यूपी रे हुए से प्रकार रो पॉलिटिकल मर्डर वर्तमान होगा गोटे नुहे डबल मर्डर हो पूर्णमणि बाबू प्रधानमंत्री आवास योजनार दुर्नीति विषय स्वर उत्तोलन करुले तेणु सहयोगी को जो हत्या करमें केवल भारतीय जनता पार्टी भाव तार निंदा करूनाऊ बा तार प्रतिवाद करूना सारा ओडिशार 4.5 कोटी लोक एवेलित होती आंदोलित होती समस्त मनरे प्रतिक्रिया अच्छी सुजोग पाइले ओडिशावासी प्रतिक्रिया निश्चय व्यक्त करेंगे। आज मोर जिलार सहयोगी माने आमर समस्त एमएलए प्रार्थी माने राज्य पदाधिकारी समस्ते मो सहित आसी शह शह संख्यार आसी एठी एभली भाव आंदोलन कले एभली भाव प्रतिवाद कले जे स्वयं एसपी गेट पाक को आसिले एवं से अनुगुल जिले में एपरी हेबो नाई बोली प्रतिश्रुति देले एटा मते सामयिक भाव भल लगी किंतु नवीन पटनायक सारा ओडिशा रे जो अत्याचार चली तार पटी पर चली राज्य बीजेपी संपादक रही सहित मत आलोचना करेंगे श्री कारण सहित सामल महंगा इश्यू प्रताप जेनाटमेंट आसपशत्रुता राजनीतिकरण करुच्ची से पड़ोसी ने कौन तदंत को सम्मुखीन पूर्व शत्रुता कौन पाई मंत्री स्पष्ट कर पूर्व शत्रुतार कारण हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना को मंत्री को निर्देश रे विजु जनता दलर धनी लोक मान बटाला तार प्रतिवाद करुले बीजेपी नेता कुलमणि बाबू ये आगु केस अच्छी ता पूर्व विकास बाबू को हत्या होता से जो मैंने हत्या करी से पुलिस आज पर्यटन बांधे ना एवं ताकू गिरफ्त करने बारंबार कुलमणि बाबू मुख्यमंत्री पर्यटन चिठी लिखिंट कथा हो केवल महांगा विषय नुहे कि परी विषय नुहे कि 5800 शिशु 25-27 हजार शिशु जो निखोज होती से विषय नुहे आज पुलिस डिपार्टमेंट प्रति राज्यवासी आस्था हर आपणकर परी प्रसंग पुलिस जो कार्यकलाप पुलिस जो निष्क्रियता एवं एटी महांगार जो पुलिस निष्क्रियता है ये दुईटा कारण अभावन घटना घटू तेणु जी मुख्य मंत्री मुख्य दायित्व अच्छा गृह विभाग दायित्व अच्छा पाखे सब खबर अच्छी तो सी जदि निजे को अहिंसार पुजारी कहते चतुर्पाखर थिबा पार्श्व देवता माने जो दुर्नीति में बुड़ी अच्छा से कारनामा संपर्क मुख्यमंत्री ज्ञात अच्छा तो जदि से ज्ञात अच्छा से मैंने से मौन कहीं अच्छा नीरव कहीं अच्छा आक्शन कहीं नौना जो मैंने मनीष मारे मनीष मोर अभोग एफआईआर है आउ से मंत्री को से एपर्त कहीं बहिष्कार करना निर्दिष्ट दाबी प्रताप जेना ना एफआईआर अच्छी एफआईआर ना पर लोक दे प्रताप जेना को गिरफ्त कराऊ प्रताप जेना को मंत्रिमंडल बहिष्कार कराऊ दुईट जाक मर्डर केस अपराधी मान को गिरफ्त कराऊ पुलिस प्रति जो पुलिस जो निंदित हो जाए पुलिस जो निंदित होतीपाई संपूर्ण भाव दायी किए मुख्य भावना से संपर्क में मुख्यमंत्री स्पष्ट कर।
ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବିଷୟରେ ଆସିଗଲାଣି। ରାଜ୍ୟବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ତିଆରି ହେଉଛି, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଆସିଛି, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ପରି ସୁରକ୍ଷା ହେଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯିଏ ହକ୍ ମାଗିବ ତାକୁ ଆମେ ମଣିଷ ମାରିଦେବେ। ଏବେ ମଣିଷ ମରାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ? ଯଦି ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଉପରେ, ପୋଲିସ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯିବ, ଭରସା ତୁଟିଯିବ, ଲୋକେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଏ ଥିଲେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାହାଙ୍ଗାଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମର୍ଡର କେସ୍, ଏବଂ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଏତଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ ବସିଯାଉଛି।